हेलो गाइस, दिस इज सुनीता। वेलकम टू योर क्लास। एंड आज हम करने जा रहे हैं टेंसेस। सी, आज मैं ग्रामर की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। सो हम सबसे पहले टेंसेस सीखने वाले हैं, ठीक है। और टेंसेस में टेंसेस करने का आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को याद करने में होती है। तो ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ मैं आज आप लोगों को, जिससे आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की बात करेंगे। सो मेन वर्ब को कैसे याद रखना है, एक सिंपल सा लॉजिक है, और उस लॉजिक से आपको जैसे ही टेंस का नाम लिया जाएगा, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि इस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल। अब सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर दोनों ही टेंसेस में हमारी कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होने वाली है, वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं, तो कंटिन्यूअस में हमेशा ही आपको क्या है, काम प्रोग्रेस में चल रहा है तो आई एन जी फॉर्म लगानी है, यानी वर्ब फोर्थ, जिसको हम कहते हैं वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी। तो लाइक जस्ट डूइंग, ब्रिंगिंग, बैथिंग, ऑल दीज, ओके। तो कंटिन्यूअस में अब चाहे कंटिन्यूअस टेंस है या जहां पे भी आपको कंटिन्यूअस टेंस सुनाई देना, तो वहां पे फट से आपको आइडिया जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। यहाँ पे हमारी वर्ब फोर्थ यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यूज होगी। अगर मैं बात करूं परफेक्ट, अगर बात की जाए परफेक्ट की, तो परफेक्ट चाहे टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो इस टेंस के लिए हम वर्ब थ्री यूज करेंगे। अब इसका लॉजिक कैसे याद रखना है हमें, देखो परफेक्ट, कोई भी काम परफेक्ट कब हो जाता है, जब वो डन हो जाता है। और डन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमारी डन डू की थर्ड फॉर्म है। इसलिए याद रखना है हमेशा ही कि परफेक्ट टेंस में हमारी वर्ब थ्री यूज होती है, ओके। और अगर हम बात करें, अब लास्ट हमारा टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमारा लास्ट टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। परफेक्ट कंटिन्यूअस में अभी मैंने आपको बताया ना, जब हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे, कि जहां पे भी आपको कंटिन्यूअस सुनाई देना, तो अगर मेन वर्ब के बारे में टेंशन करनी ही नहीं है, यहां पे भी हमारी कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, वर्ब फोर्थ आने वाली है, जो होती है हमारी वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी, ओके। अब हमारे पास सिर्फ रहता है सिंपल पास्ट। तो अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूं, तो ये इकलौता ऐसा टेंस है, ये सिंपल पास्ट इकलौता ऐसा टेंस है जो वर्ब सेकंड को यूटिलाइज करता है। तो हमारे वर्ब सेकंड आती है सिंपल पास्ट में। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी गाइस, कि जो ये हमने बात की है अभी तक, हम सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए जो हल्के फुल्के जो चेंजेस होते हैं वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। तो आज हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब की फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मेन वर्ब जहां जो लगती हैं, उनके बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया है। वॉच द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स को हम कैसे याद करें। मैं आप लोगों को एक टेबल दूंगी, उस टेबल के चार कीवर्ड्स होंगे, और चार कीवर्ड्स को याद करते ही आपको पूरे के पूरे 12 टेंसेस आपकी फिंगर टिप्स पे दिखाई देंगे। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।